विधायक धर्मपाल चौधरी का निधन। विधायक धर्मपाल चौधरी ने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात 3 बजे मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पैतृक गांव बहरोड़ में उनका अंतिम संस्कार होगा। भाजपा नेताओं ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। मुंडावर से वर्तमान में बीजेपी विधायक थे धर्मपाल चौधरी और पिछले कार्यकाल में वो संसदीय सचिव रहे थे। आपको बता दें कि भाजपा विधायक धर्मपाल चौधरी का निधन हो गया है। अलवर के मुंडावर से विधायक थे धर्मपाल चौधरी और आज सुबह गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव जाट बहरोड़ में दोपहर बाद पहुंचेगा जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अलवर जिले के मुंडावर से बीजेपी विधायक धर्मपाल चौधरी का आज निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में धर्मपाल चौधरी ने अंतिम सांस ली। धर्मपाल के निधन पर बीजेपी में शोक की लहर है। गुरुवार को बीजेपी और प्रदेश के लिए बुरी खबर आई। अलवर जिले के मंडावर से विधायक धर्मपाल चौधरी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि धर्मपाल चौधरी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सुबह करीब 3 बजे हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। धर्मपाल चौधरी का जन्म 4 जुलाई 1954 को बहरोड़ क्षेत्र के जाट बहरोड़ गाँव में हुआ। धर्मपाल चौधरी ने बहरोड़ के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। चौधरी अलवर जिले के जाट महासभा के लगातार 2000 से 2014 तक अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। धर्मपाल 2003, 2008 और 2014 में बीजेपी से विधायक के पद पर निर्वाचित हुए। बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में उन्हें संसदीय सचिव बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। धर्मपाल चौधरी की जाटों में अच्छी पैठ रही। चौधरी के निधन से न केवल बीजेपी के लिए बल्कि प्रदेश को भी बड़ा धक्का लगा है, जिसकी कमी पूरी करना आसान नहीं होगा। न्यूज 18 राजस्थान अलवर। मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी के निधन से उनके पैतृक गांव जाट बहरोड़ में शोक की लहर है। विधायक चौधरी के घर पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में लोग विधायक के घर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक धर्मपाल चौधरी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ है। करीब 3 बजे के आसपास हमारे विधायक माननीय धर्मपाल जी चौधरी के हृदय गति रुकने की वजह से निधन हो गया। उनका ट्रीटमेंट लीवर इन्फेक्शन का वेदांता में गुड़गांव में। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता राजेंद्र अलवर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, अपूर्णीय क्षति इसे कहा जाएगा। साफ छवि के आम जन के नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता रहा है। बीजेपी में शोक की लहर। जी, धर्मपाल चौधरी को एक किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और शुरुआत से ही ये खेती से जुड़े रहे। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट और शराब के व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाई और पहली बार ये जिला परिषद सदस्य के रूप में बानसूर क्षेत्र का छतरपुरा जिला पार्षद के रूप में ये निर्वाचित हुए थे। और उसके बाद इन्होंने विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा था 1998 में, उसमें ये जसवंत यादव से हार गए थे। लेकिन 2000 में लोकसभा चुनाव में जसवंत यादव सांसद बनने के बाद में सीट खाली हुई, तो उपचुनाव में इनको भाजपा का टिकट मिला और ये पहली बार विधायक चुने गए। लेकिन आज भी जब लोग इनसे मिलते तो ठेठ राष्ट्र की भाषा में वो लोगों से बात करते थे। ग्रामीण आज की जो आम बोलचाल की भाषा में लोगों के बीच में उनका अंदाज जब होता था तो वही ठेठ राष्ट्र की जो भाषा है उस भाषा में लोगों से बात करते थे। इस वजह से आम लोगों में उनकी जो पहचान थी वो एक किसान नेता के रूप में मानी जाती है। जी जी राजेंद्र, और उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगी, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा और कौन जो वरिष्ठ नेता है भाजपा से और जो प्रदेश के जो नेता है यहाँ पर पहुंचेंगे? अस्पताल से रवाना हो चुका है और करीब 12 बजे के बाद 12 साढ़े 12 बजे तक उनका
पार्थिव देह उसके गांव में पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद उनके सब को आम लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा और 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बात करें नेताओं के पहुंचने के लिए तो मंत्री हेम सिंह भड़ाना, मंत्री जसवंत यादव, दर्जा प्राप्त मंत्री रोहतास शर्मा सहित आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों के आने की है और सीएम राजे की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंच सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई उनके कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी तक केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि बड़ी संख्या में पार्टी की जो शीर्ष नेता है वो यहाँ पहुंचेंगे। जी राजेंद्र जी, जिस तरह से जब ये शोक समाचार सभी को मिला और इनके गांव में भी, वहां जो पैतृक गांव है, इनके घर पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। जी उनके पैतृक गांव में उनके घर के आवास के बाहर लोगों के लिए, क्योंकि गर्मी का दौर शुरू हो चुका है तो इसको देखते हुए टेंट का लगाने का काम जो है वो सुबह ही शुरू कर दिया गया था, जिससे कि आम लोगों को बैठने के लिए, जो लोग वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करके आएंगे उन लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था है वो स्थानीय लोगों ने वहाँ संभाल रखी है। परिजन धर्मपाल जी के शव को लेकर के आ रहे हैं तो स्थानीय जो लोग हैं वो जो लोग आ रहे हैं उनका साथ में बैठा करके उनके लिए जो इंतजाम हैं वो स्थानीय लोग वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद और बड़ी संख्या में वहाँ लोगों का पहुँचना शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अपूर्णीय क्षति इसे कहा जाएगा, आपको बता दें विधायक धर्मपाल चौधरी अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली।